दोस्तों आज हमारे पास है दो फोन्स, जो लेफ्ट साइड है वो है रेडमी नोट 10S और जो राइट साइड है वो है रियलमी 6। आज हम इन दोनों ही फ़ोन में N2 बेंचमार्क को रन करेंगे और देखते हैं किसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है और कौन सा फ़ोन N2 बेंचमार्क को पहले कंप्लीट करता है। अगर मैं आपको दोनों ही डिवाइस के सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बताऊँ तो दोनों इस टाइम पर एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहे हैं और दोनों का जो वेरियंट है वो भी सेम है, दोनों में ही 6GB रैम है और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही फ़ोन्स में वो है इनका प्रोसेसर। जो रियलमी 6 है इसमें आपको हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है और वहीं बात करें रेडमी नोट 10S की तो इसमें आपको हीलियो का G96 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोनों ही बड़े पावरफुल प्रोसेसर है, मिड रेंज में तो देखते हैं किसका स्कोर ज़्यादा निकल के आता है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आप सब देख ही सकते हैं Redmi Note 10S है इसमें जो N22 बेंचमार्क है पहले कंप्लीट हुआ है एज़ कम्पेयर टू Realme 6। थोड़े से ही टाइम का फ़र्क है, थोड़े टाइम में Realme 6 में भी ये पूरा हो जाएगा। अगर बात करें इसके स्कोर की तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका स्कोर आया है वो है 320,000, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अगर वहीं बात करें इसके टेम्परेचर की तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका टेम्परेचर है वो 4.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है और जो बैटरी है इसकी वो 4% डिक्रीज़ हुई है। तो रियलमी 6 ने भी N2 बेंचमार्क टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर बात करें इसके स्कोर की तो आपको देखने को मिलेगा जो इसका स्कोर है वो आया है 302,000, यानी दोनों ही फोन्स में आपको 20,000 का डिफरेंट देखने को मिलता है N2 बेंचमार्क के स्कोर में। और ये स्कोर आपको देखने को मिलने ही वाला है क्योंकि जो रेडमी नोट 10S है इसमें G96 लगा है जो एक अपग्रेड वर्जन है हीलियो G90T का। तो आपको रेडमी नोट 10S में स्कोर जो है थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रियलमी 6। अगर वहीं बात करें रियलमी 6 के टेम्परेचर के बारे में, जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो है 2.8 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो बैटरी डिक्रीज़ हुई है वो है 4%। तो बैटरी तो ऑलमोस्ट दोनों फ़ोन में ही सेम डिक्रीज़ हुई है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो रेडमी नोट 10S का ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 6, यानी आपको रेडमी नोट 10S में ज़्यादा हीटिंग देखने को मिलने वाली है रियलमी 6 के कम्पेयर में। और मैं दोनों फ़ोन को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, रियलमी 6 को तो मैं पिछले एक साल से ही यूज़ कर रहा हूँ, जो रेडमी नोट 10S है इसको मैंने एक मंथ पहले ही परचेज़ किया है। दोनों में मैंने BGMI खेल रखी है और जो BGMI की परफॉर्मेंस है दोनों में ही सेम है, लेकिन जो टच सैम्पलिंग रेट है वो रेडमी नोट 10S का बेटर है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 6। तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस जो है रेडमी नोट 10S में बेटर देखने को मिलेगा अगर आप रियलमी 6 से कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।